भी आपने सीखा है, उस यात्रा को बिल्कुल साइड पे रख करके, क्योंकि अब आपकी यात्रा के अंदर लाल रंग नॉर्थ में भी होगा, हरा रंग हो सकता है साउथ वेस्ट में भी चला जाए। कि ये जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में लाल है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो। तत्वों के आधार पर, क्योंकि पानी की अपनी एक गुरमाहट होती है, बॉडी गर्म है ना, टेम्परेचर पानी है अंदर फिर भी गर्म है, तो इसका मतलब पानी की गर्माहट भी है। हवा में बिल्कुल उड़ भी नहीं रहा तो मतलब पृथ्वी तत्व भी है, क्योंकि जमीन पर है, ऑक्सीजन भी है इसके अंदर। तो हर तत्व में हर तत्व का मौजूद होना और उनकी अनुभूति, यानी कि उस तत्व को पहचानना कि मेरे जल तत्व में क्या अग्नि तत्व की डिस्टर्बेंस हम प्रॉब्लम दे रही है या पृथ्वी तत्व की दे रही है, ये वास्तविकता में उन शक्तियों को जानना है कि जो शक्ति नॉर्थ के अंदर भी लाल रंग की बन के बैठी है, ये नॉर्थ के अंदर भी पृथ्वी तत्व का रूप लेकर के बैठी है, क्या वो डिस्टर्ब है या लाल वाली डिस्टर्ब है। अब विषय केवल वो नहीं रहेगा कि नॉर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस, अब विषय ये है कि नॉर्थ के अंदर सोमा में प्रॉब्लम है, भुजागा में है, बल्लाटा में है, बुधर में है या ब्रह्मा में ही प्रॉब्लम है। नॉर्थ की दिशा अफसर लाने की, और अफसर कैसे भी अफसर, तो आपकी इंडस्ट्री में, आपकी शॉप के अंदर, क्योंकि ये यात्रा साथ साथ में शॉप की भी रहेगी और ऑफिस की भी रहेगी, तो ध्यान से समझिएगा, मैं हर पहलू को उस नजरिए से भी समझाने वाला हूं। अभी तक आपने जो यात्रा की थी केवल और केवल घर का अनुभव किया, बट अब किसी शॉप के अंदर अगर आपको वास्तु करना है या किसी ऑफिस के अंदर करना है, तो आप एक सैलून में जाकर के ये नहीं कह सकते कि भाई तेरे साउथ में शीशा लगा है फोड़ डाल, ऐसा बोलोगे क्या? वास्तुकार तो यही करते हैं, भाई इसको यहां से उठा दे। एक सैलून है तो उसके अंदर तो शीशा होगा ही, एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है तो हर जगह कपड़े होंगे ही भाई, और अलग अलग रंग के होंगे। अब प्रोस्पेक्टिव नजरिया बदलने वाला है, उस तरीके से इसको अनुभव करना। तो व्यापार के अंदर नॉर्थ की दिशा से ग्राहक का आना, और आपके जीवन के अंदर क्या, दोनों डायमेंशंस को अलग करते चलिएगा। एक जब घर की बात करते हैं तो घर में नए अफसरों का आना किस तरीके से होता है, किसी के घर में एक नए फैमिली मेंबर का जुड़ना, चाहे वो शादी के स्वरूप में हो चाहे वो बच्चे के स्वरूप, किसी भी घर की अगर हम बात करें, विषय ये नहीं है कि उस घर में जो रहता है वो भी बिजनेस करता है तो उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तो है ही, पर अगर हम इसको वास्तविकता में अपने जीवन के साथ जोड़ें कि एक घर के अंदर नॉर्थ क्या करता है, एक घर के अंदर नॉर्थ जो है वो आपको जीवन के अंदर नए अवसर, चाहे वो लोगों के साथ मिलने के आने हो, चाहे आपके जीवन के अंदर वंश वृद्धि जिसको हम कह सकते हैं, तो क्योंकि जीवन का शुरुआती बिंदु भी यही, चाहे हम इसको ये कह सकते हैं कि परिवार के अंदर एक सदस्य का जुड़ना, वो भी नॉर्थ से होता है। नॉर्थ और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है आपकी इंटेलिजेंस के लिए। तो अगर आप बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, अगर बिजनेस में दिमाग नहीं लगा पा रहे तो अगेन प्रॉब्लम कहां से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है। अब दिमाग नहीं लगा पा रहे इसका मतलब यह है कि बिजनेस के अंदर अगर किसी व्यक्ति को कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है और वो ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा कि ये प्रॉब्लम कहां से है, तो वो एग्जैक्टली नॉर्थ की प्रॉब्लम, कैसे भी अफसर लेकर के आ रहे हैं। और अर्थ नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, ये किसी भी व्यापार के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर आपको एक बिजनेस होता है B2B और एक होता है B2C, यानी कि एक व्यापार के अंदर एक होलसेलर एक रिटेलर को देता है और रिटेलर एक फिर ग्राहक को देता है, तो ये एक चेन है ना, एक कड़ी जुड़ी हुई है ना। तो जब ये कड़ी डिस्टर्ब होती है, चाहे फैक्ट्री से निकलने से लेके प्रोडक्ट के कस्टमर तक पहुंचने तक, अगर इस चेन में डिस्टर्बेंस है तो डिस्टर्बेंस कहां से होगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से।
ये कड़ी है, ये चेन है जो एक सिस्टम को बनाती है, आपके प्रोडक्ट्स को, आपके मैसेजेस को, या आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को भी जगत तक लेकर के जाना कि ये प्रोडक्ट कैसा है। जब हम बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की, तो वो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को बताते, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी धंधा करते हो भाई, जिस भी फील्ड में हो, कोई बैंक में है या कोई इंडस्ट्री है किसी की, कोई कंसल्टेंट है, कुछ तो भी करके आप जगत को बताते हो ना कि हम ये चीज कर रहे हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वो चीज को बताता है कि क्या आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जगत के साथ कनेक्ट करवा पा रहे हो या नहीं कनेक्ट करवा पा रहे हो।